हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 रांची बस्ती में। और जैसा कि हर एक वार्ड क्रमांक से हम लोगों ने जनता से एक प्रतिक्रिया को हासिल किया है और लो आप सबके समक्ष भी रखा है, आज उसी संबंध में आज हम वार्ड क्रमांक 6 के रांची बस्ती में भी हैं और यहाँ की जनता से भी सुनेंगे कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं और कब तक से ये समस्याएं झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू है जी। मंटू भैया, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी समस्या है आपको? हाँ, समस्या ये है कि अभी आवास का घर यहाँ नहीं मिला किसी को, ना लेटरिन बाथरूम तक अभी तक बना नहीं है यहाँ तक। ये रांची बस्ती में बहुत दिन हो गए, कम से कम 50-60 साल हो गए हैं यहाँ, अभी तक कुछ आया नहीं है। मतलब शौचालय और आवास की समस्या है। हाँ, है ना? समस्या है जी, समस्या। मैं एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन से कि एक बार आवास की बात अगर आ गई तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो घर है, किस प्रकार के घर यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जाए तो हर एक घर की जो हालात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, टूटा फूटा सा पूरा का पूरा छत पड़ा हुआ है, लोग किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। तो आइए महिलाओं से जुड़ते हैं और कुछ बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या बोलेंगे, हम लोग को तो पानी उनी नहीं मिल रहा है, पानी पाइप लगा है एक साल के अंदर में हम लोग को पानी नहीं आया है। अच्छा, पानी नहीं आया तो पानी अभी है, मतलब अभी नहीं आया लेकिन पानी लाती कहाँ से आप लोग? हम लोग अभी कुआं से भरते हैं, कुआं का पानी। हाँ, अच्छा, हैंडपम्प कुछ ऐसा नहीं? कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा खराब, वो भी खराब हो गया है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पर, पानी की समस्या है आप लोगों को, पानी की समस्या है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो रोड भी ऐसे है, हम लोग का रोड भी बनवा दिए हैं, तो वही ढंग का रोड बनवा दिए हैं, हर जगह में सब बच्चे लोग गिर रहा है, पटका रहा है, इसे गिट्टी में चल रहे हैं जंगल में। तो आखिरी में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ की पार्षद को आप लोग जानते हैं? जी हाँ जी जानते। क्या नाम है उनका? अनारकली। तो अनारकली जी यहाँ आती हैं कभी आप लोगों से मिलने? वो बुलाते हैं तब आती है, अपने मन से नहीं आती है, कभी कभी आती है देखने के लिए, और जब बुलाते हैं तब ऐसे नहीं आती है। तो आप लोगों ने कभी उनको ये सब नहीं बताया कि हमारे घर टूट रहे हैं, नाली नहीं है? हम बोल चुके हैं, वो कुछ नहीं सुनती है, बोलती है ठीक करा देंगे, उसके बाद नहीं छोड़ देती है, बोलती है कि नहीं ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तो हम करा देंगे, उसके बाद चुप हो जाती है। अब कितने बोले हम लोग कि उनको कर दीजिए, उनके बाद छोड़ देते हैं। आप लोग वोट देती हैं? जी, आप भी वोट देती हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि रांची बस्ती में मौजूद है महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पर पानी की कनेक्शन तो बहुत दिनों से हो चुका है लेकिन पानी की समस्या बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। आखिरी में कुछ लोगों से और बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग इतना दिन से हैं, बहुत साल यहाँ पर पड़े हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, यहाँ पर जितना प्रधानमंत्री बना चाहे अनारकली अध्यक्ष बनी है, कुछ भी बनी है, हम लोग यहाँ कुछ नहीं मिला है। खाली एक बार वीरेंद्र मिश्रा जीता है तो खैर रोड बना दिया, लाइन व्यवस्था दिया है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। इंदिरा आवास पूरा टीना सेट में जाना कहती थी वो अपना की, हम लोग कुछ बाथरूम भी नहीं बने हैं, कुछ नहीं बना है। नौकरी जाते हैं खोजने, नौकरी जाते हैं खोजने, बोलता है पैसा चाहिए कुछ भी, जैसे हम लोग कोई मजदूर है, कोई कुछ जैसे कोई काम करने जाता है मजदूर आदमी से, थोड़ा भी उससे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो पैसा मांगता है, 10,000 दो 20,000 दो, कोई ड्राइवर है, कुछ मिस्त्री है, कुछ ऐसा है, उसमें जाता है पैसा खोजता है, ये पैसा दो तो नौकरी मिलेगा। तो बताए हम लोग कहाँ से, हम गरीब आदमी डेली दिहाड़ी करेंगे, 200-150 कमाते हैं तो हम लोग कहाँ से करेंगे। हाँ, इस हिस्से में बोल रहे हैं हम लोग को थोड़ा सा सुविधा चाहिए, इतना पूरा बस्ती में एक क्लब नहीं बना है, गांव घर में शादी ब्याह होता है, बारिश होता है, हम लोग बहुत तकलीफ होता है, उसमें बहुत दिक्कत होता है, इससे आंगनबाड़ी बनना चाहिए, चाहे हम लोग कुछ अस्थायी रूप कुछ रूम चाहिए, जैसे हम लोग को शादी ब्याह होता है, बारिश होता है, तो उसमें हम लोग ठहरा, मतलब ये लिए ठहरा चाहिए हम लोग का, यही हम विनती करेंगे। तो आप लोगों से यही मतलब ये है कि आप लोगों की कई समस्याएं आप लोगों ने बताई, जैसे पानी की समस्या बताई, आंगनबाड़ी की समस्या बताई, समुदाय भवन की बात आप लोगों ने रखी। हाँ, है ना, और इसके अलावा सड़कों की बात आप लोगों ने रखी। तो कहा जाए तो मूलभूत समस्याओं से ये पूरे की पूरी बस्ती जूझ रही है। और आखिरी में से मैं आप सब लोग से पूछूंगा कि पार्षद जी से क्या आप लोग खुश हैं? पार्षद जी अभी किया, ठीक है, पार्षद किया, अपना टेरेसन पूरा करवा लिया, हम लोग का अभी तक एक बार थी जो बाथरूम बोलते बाथरूम नहीं बनवाया, इंदिरा आवास कहाँ से दिवाएगी, मतलब बाथरूम नहीं बना तो इंदिरा आवास कहाँ से दिवाएगी, हम लोग ऐसे कहते हैं, हम लोग गरीब आदमी कैसे करेंगे, हम लोग किसी तरह से जंगल झाड़ में जी रहे हैं, खा रहे हैं, एक वो जीता था वीरेंद्र मिश्रा जी, लाइट दे दिया है तो बहुत सहारा हम लोग को हुआ है, और कोई सहारा नहीं है, कोई काम कराते बनवा। चलिए हम आपसे क्या कह रही थी आप बताइए।
मतलब यहाँ बोलते हैं जैसे वहाँ जाने के बाद में केएनसीएल के जमीन में क्या चीज होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे बोलते हैं। और जब हम लोग गली खुद बोलती है कि वहाँ एनसीएल का जगह है, नहीं मिलेगा, सो आप लोग क्यों उतना अति कर रही हैं, जा रही हैं, सो दौड़ धूप कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा बोल के। चलिए आपको हम ये जो पूरा का पूरा दृश्य दिखा पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वार्ड नंबर 6 के रांची बस्ती से है। चंदू बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल कुलपोस की ओर से जय हिंद।